ये टॉपिक हमारा स्टार्टिंग का संदर्भ के ऊपर है। विंडोज के अंदर या लिनक्स के अंदर हमने इसे स्टार्ट करना है तो किस तरीके से स्टार्ट करना है। ये मैंने आपको पीछे टॉपिक में बताया कि वर्चुअल मशीन आपको अपने विंडोज के अंदर बनानी पड़ेगी और वीएमवेयर, जैसे मैंने भी अपने सिस्टम पे इंस्टॉल किया हुआ पर्सनल यूज के लिए, क्योंकि कमर्शियली ये इसका लाइसेंस लेना पड़ता है और उसके बाद आप इसे कमर्शियली यूज भी कर सकते हैं। तो ये आप डाउनलोड कर लें इनकी वेबसाइट से। उसके बाद उसकी जो इन टायर स्क्रीन है वो इस तरह की होगी। अगर आपने नई वर्चुअल मशीन बनानी है, इसके मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ ताकि हम जो है ना आगे फर्दर प्रोसेस कर सकेंगे कसंद्रा को कैसे स्टार्ट किया जाता है विंडोज के अंदर या लिनक्स के अंदर। तो इसके लिए जरूरी है कि आपको वर्चुअल मशीन का थोड़ा सा तारुफ करवाया जाए कि वर्चुअल मशीन जो है ना वो किस तरह के से काम करती है, कैसे बनती है, वर्चुअल सर्वर्स कैसे बनते हैं। तो ये ऐसे है जैसे समझें कि आप के पास एक विंडोज के अंदर आपने कोई और विंडोज की हुई है या कोई और लिनक्स भी रखा हुआ है इस तरीके से। यानी आप आपसे अगर पूछा जाए कि विंडोज के अंदर विंडोज रन हो सकती है, कि मेरे पास विंडोज 10 है, मैं विंडोज XP, विंडोज 7 और वो भी साथ इसके रन करना चाह रहा हूँ विंडोज के अंदर बैठते हुए, यानी विंडोज स्टार्ट करने के बाद, कि मेरे पास विंडोज 7 भी उसी वक्त चल रही हो, विंडोज XP भी चल रही हो और विंडोज 10 भी उसी टाइम में मेरे पास जो है ना रनिंग में हो। तो उसके लिए वे ये है कि आपने ये वर्चुअल मशीन बनाने वाला कोई भी आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लें, उसके बाद जो है ना उसके अंदर आप जो है ना ये विंडोज 7 करें, विंडोज XP करें, लिनक्स करें, लिनक्स का को कोई और फ्लेवर करें, जैसे कि मैंने किया हुआ है, ये सेंटोस भी किया हुआ है, उसके बाद ये मैंने युबंटू का 64-bit वर्जन भी किया हुआ है, ये वो युबंटू का ओल्ड वर्जन भी किया हुआ है, ये एक और लिनक्स का फ्लेवर भी किया हुआ है जिसके ऊपर मैंने कुछ अपने सर्वर्स जो है ना मेंटेन किए हुए हैं पर्सनल यूज के लिए, एक्सपेरिमेंट्स के लिए एंड सो ऑन। तो फिलहाल मैं जो है ना ये बन, तो इसके ऊपर आपने मजीद ये करना होता है कि जब आपने कोई सर्वर बनाना होता है तो आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हैं। या आप इसे जैसे मैंने की हुई, अब इसकी जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ये बन तो 64-bit जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है। ये मेरा जो वर्चुअल मशीन बनाने वाला जो सॉफ्टवेयर है, ये वर्क स्टेशन और उसका वर्जन बता रहा है, और ये जो रैम मैंने इसे असाइन की हुई है 6.1 GB जो है ना स्पेशली जो है ना ये मैंने इस युबंटू सर्वर को दी हुई है। तो ये मेरी जो सिस्टम हार्डवेयर की जो रैम है वो शेयर हो रही है। तो यहां से आप अगर इसे क्लिक करें तो आप इसको फर्दर कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं। ये देखिए ये प्रोसेसर आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, कितने प्रोसेसर इसे आपने देने हैं, ठीक है। आपके सिस्टम में जो भी कॉन्फ़िगरेशन होगी उसके मुताबिक आप यहाँ से इसे साइन कर सकते हैं, मेमोरी असाइन कर सकते हैं, हार्ड ड्राइव कितनी देनी है, ये फर्दर जितनी भी इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आप यहाँ से करेंगे और इसी तरीके से इसे प्रोसेस करेंगे। और आपने कोई चीज शेयर करनी है, अपनी विंडोज का फोल्डर शेयर करना है, तो उसके लिए जो वे होता है वो कुछ इस तरह से होता है, शेयर्ड फोल्डर, इसे आप क्लिक करेंगे, ऑलवेज शेयर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप उसको पाथ दे देंगे। तो वो आपके जो नेक्स्ट सर्वर होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, उसके अंदर आपका यहाँ से जो भी चीज शेयर करना चाहेंगे वो आगे शेयर हो जाएगी फर्दर। तो ये इसका बेसिक सा एक छोटा सा ओवरव्यू है। अच्छा, अब हम इसे स्टार्ट कर लेते हैं। तो पीछे टॉपिक के अंदर, क्योंकि मैंने जब इंस्टॉल किया था तो मैं इसे इनेबल करके स्टार्ट कर दिया था। अब जैसे ही मेरा ये सर्वर इंस्टॉल स्टार्ट होगा तो ऑटोमेटिकली जो कसंद्रा है वो भी साथ इसके स्टार्ट हो जाएगा। ये मेरा सर्वर स्टार्ट हो चुका है, इसे मैं लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं कैसंद्रा को चेक करने के लिए इसके टर्मिनल पे जाता हूँ। ठीक है, ये इस वक्त मुझे बता रहा है कसंदरा जो है ना वो भी स्टार्ट हो चुका है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जैसे हमारा सर्वर स्टार्ट हुआ है तो वो भी साथ इसके रन हो गया। अब इस सर्वर की एक IP होगी जिसके थ्रू हम उस सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं अपने विंडोज के अंदर भी। मैंने जैसे ही ये कमांड स्पेसिफिक इंटर की है तो ये मुझे उसने IP एक बना के दी है। ये मेरे
लोकल वर्चुअल मशीन की या लोकल सर्वर की आईपी है जिसके थ्रू जो मैंने कसंद्रा को एक्सेस कर सकता हूँ।